अखिलेश, कल जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, परिजनों का आरोप है, आदिवासी समाज का आरोप है कि पुलिस उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रही थी, युवती को करंट नहीं लगा, उसके साथ प्रताड़ना हुई है, उसके साथ गैंगरेप हुआ है। बिल्कुल शुभांगी, जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कहीं ना कहीं पर जो पुलिस है उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जो युवती है उसके साथ गैंगरेप हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है, गांव के दबंगों के ऊपर जो परिजन है वो कहीं ना कहीं पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि जो युवती की जो मौत है वो करंट लगने से हुई है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया था, उसके बाद जो गुस्सा है परिजन, उन्होंने युवती का शव रखकर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया था, और उसके बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची और उन्हें वहां से समझाने की कोशिश की गई तो जो वो परिजन थे वो नहीं माने और जो कार्रवाई है उसकी मांग करने लगे। पुलिस ने वहां से जब उन्हें वहां से खदेड़ा और उसके बाद जब वो वापस से रिटर्न आया तो उसमें गोफन से पुलिस के ऊपर हमला किया, जिससे पुलिस की गाड़ियां भी फोड़ दी गई है, उसके साथ ही थाने पर भी पथराव किया है और इसमें 6 पुलिसकर्मी घायल भी हुए, जिसमें थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर भी शामिल है जो कि बड़गोंदा थाना प्रभारी है। बताया जा रहा है कि युवती है वो धार जिले की रहने वाली थी और यहाँ पर बड़गोंदा थाना क्षेत्र में उसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी। उसके बाद से ये जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। इस पूरे मामले में जिस प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस की कार्रवाई के दौरान इसमें एक युवक की मौत भी हो गई है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो है वो घायल है और दोनों को MY अस्पताल पहुंचाया, जहां पर मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और घायल का इलाज MY अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल जो स्थिति है वो अब नियंत्रण में है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि 4 थानों का बल लगा दिया गया है, SP लेवल का जो अधिकारी वो खुद वहां मौके पर मौजूद है और इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से जो घटनाक्रम सामने आया उससे कहीं ना कहीं पर जो आदिवासी जो समाज है वो आक्रोशित है और आक्रोशित होने के साथ ही उन्होंने पुलिस को पथराव किया और देर रात। बिल्कुल सही कहा अखिलेश आपने, वो तो हमने कल प्रदर्शन में भी देखा, जिस तरह से गुस्साए परिजनों ने, आदिवासी समाज ने यहाँ जमकर हंगामा किया, कई तरह के आरोप उन्होंने पुलिस कर्मियों पर लगाए हैं। और अब देखना होगा कि जब मजिस्ट्रियल जांच होगी उसके बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि परिजनों ने सीधा आरोप पुलिस पर लगाया है। उनका कहना है कि मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।